पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है वहाँ पे 3 नए अपडेट यहाँ पे आ गए हैं। वो कौन कौन से अपडेट हैं और क्या अपडेट हो सकता है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको और भी यहाँ पे बता देता हूँ, और भी जानकारियाँ दे देता हूँ। किसान भाइयों, यहाँ पे जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर जो है और बहुत सारी योजनाएं जो है वो निकल कर आ रही हैं, जैसे आपकी केंद्र सरकार हो गई या फिर राज्य सरकार हो गई, यानी कोई भी राज्य आप रहते हैं तो आपके लिए भी जो है योजनाएं काफी सारी यहां पे निकल कर आ रही है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो फटाफट से जाकर रजिस्टर कर लीजिएगा, और आपको नहीं पता है तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, काफी सारी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। और जो योजनाएं निकल के आ रही है उन पर भी मैं आपको वीडियो बना बना के देता रहूंगा, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे नई जानकारियां हमेशा जो है वीडियो अपलोड हो यहाँ पे होती रहती है। तो किसान भाइयों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि 3 नए अपडेट हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, मेरा नाम है राजू कुमार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम यहाँ पे कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उन योजनाओं का लाभ ले सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे कोई भी जानकारी आपको चाहिए और ज्यादा आपको सपोर्ट चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। जो आप वहां पे केसीसी अप्लाई करना चाहें या फिर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको नहीं मिली है, जो 3 अपडेट यहाँ पे आए हैं तो उनकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके और जाए। यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो 3 नए यहाँ पे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है वहाँ 3 नए अपडेट क्या क्या आए हैं। नंबर 1 पे आता है यहाँ पे जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, यानी बहुत से जो किसान भाई हैं वो इनका अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये योजना जो है मतलब इसमें अपडेट आ गया है। आप इसमें भी जो है रजिस्ट्रेशन या फिर आपका आईएफएससी कोड गलत है या फिर अकाउंट नंबर गलत है या फिर आधार कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप उनको भी यहाँ पे सुधार सकते हैं, यानी आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और आधार कार्ड में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है तो वो भी आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है आपका जो न्यू आप किसी भी स्टेट से हैं, सारी स्टेटों में जो है अब जो है वो शुरू कर दिया गया है, तो आप यहाँ से अपडेट भी यहाँ पे जो है अपडेट कर दी गई है वेबसाइट को, तो आप यहाँ पे जाकर जो है रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, आधार कार्ड को एडिट भी कर सकते हैं या अकाउंट नंबर में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे मैंने आपको ये बता दी। नंबर 2 पे जो आती है वो आती है केसीसी क्रेडिट कार्ड, यानी जिन किसान भाइयों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वो केसीसी यानी क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये जो है अपडेट अप्लाई नहीं हो रहा था, अभी नया अपडेट आ गया है तो जिसके माध्यम से जो है वो यहाँ पे जो है आप केसीसी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका जो लिंक है अप्लाई करने का उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का भी लाभ यहां पे आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, नंबर 2 मैंने आपको बता दिया, यहां पे आपको डॉक्यूमेंट भी देने की जरूरत नहीं है, जो आपने अगर पीएम किसान सम्मान निधि कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे जो केसीसी कार्ड है उसको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप बड़ी आसानी के साथ में जो है वो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे केसीसी यानी क्रेडिट कार्ड जो है। किसान भी अपडेट नहीं आया है, यानी जो कर्ज माफ है, यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं उसमें कर्ज लेते हैं, मतलब जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको हम पैसे जो रहता है यानी क्रेडिट कार्ड होता है वो उसमें पहले हम पैसे ले लेते हैं, उसमें से जो है खर्च कर लेते हैं, फिर खर्च करने के बाद में उसका बिल बनता है, बिल बनने के बाद में उसकी पेमेंट करना रहती है। तो ऐसे ही आपने जो क्रेडिट कार्ड ले रखा है या फिर आपने कहीं से लोन ले रखा है तो इसमें भी नया अपडेट आ गया है, अभी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो पैसा है और आपका जो पैसा आपने लिया है बैंक से वो आपका माफ हो जाए, अभी इसमें कोई नया अपडेट नहीं आया है, बट इतना ही आया है कि आपने जो केसीसी यानी क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो उसमें जो 4% पैसा है आपको वो देना ही पड़ेगा और उसमें कोई भी नया अपडेट नहीं है। तो आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड बनवा करने वाला हूँ। जिन किसान भाइयों का जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिनकी किस्तें रुकी हुई हैं यानी रुक गई हैं और उन्होंने यहाँ पे कलेक्शन करवा रखा है, जैसे उनके अकाउंट में जो है वो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई स्टेट लिख के आ रहा है, तो वो किसान भाई मुझे कमेंट्स कर रहे थे ना कि सर जो है हमारा जो पैसा है वो कब तक आएगा,
तो ये पैसा भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। आप अपना अकाउंट यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है उसको जाकर चेक करिएगा। अगर उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने बैंक में जाकर अपना जो है उसको चेक करवाइएगा, ठीक है। तो उसको भी पैसा जो है, जो पैसा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, तो वो पैसा भी अब आना स्टार्ट हो गया है। आप अकाउंट में जाकर चेक कर सकते हैं। और काफी किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके किसान भाई योजना है जिसमें नवी इंस्टॉलमेंट आ गई है, नवी इंस्टॉलमेंट का पैसा उनको मिल गया है, बट उन नवी इंस्टॉलमेंट जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है वहाँ पे अपडेट दिखा रहा है, बट जो है अभी अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो वो भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपके अकाउंट में वो भी पैसा आ गया है, बट योजना की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी अपडेट हो गया है और आपके अकाउंट में भी यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो जिसके माध्यम से जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये तीन बड़े अपडेट हैं, काफी बड़े अच्छे अपडेट यहाँ पे आ गए हैं जिसके माध्यम से किसानों के लिए अब काफी सारी जो है खुशी भी यहाँ पे मिल रही है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर मन में कोई और कंफ्यूजन या कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प भी करने के लिए तैयार हूँ। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।